गाइस एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं सौरव सर, आज के इस वीडियो में हमारा पहला दिन इन सोनाझुरी हाट। तो यहाँ पर हम आज आपको दिखाएंगे कैसे हम लाइव पोर्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉल भी है, तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आज हमने अपना स्टॉल सेटअप किया है। तो मेरे साथ मेरे भैया संजुदा है, तो उसके साथ साथ हम आज का इस स्टॉल में ड्राइंग्स करेंगे। तो पहला जो ड्राइंग है या फिर जो लाइव पोर्ट्रेट है वो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो करेंगे। तो इससे हम क्योंकि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, एक पोर्ट्रेट वो किया है, एक मैंने किया है, इस तरीके से हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आज हम किस तरीके से अपना पोर्ट्रेट को बनाएंगे। यहाँ पर कैसे मैं इसको उतना ज़्यादा इसमें शेडिंग या फिर पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि जस्ट 20 to 25 मिनट्स के अंदर हमको पूरी पेंटिंग को कम्प्लीट करनी है शेडिंग के साथ, तो इसलिए पूरी तरीके से नहीं होगा। लेकिन इन द एटमोसफियर, जिस तरीके का एटमोसफियर होगा, आपको सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि कैसे हम वहाँ पर बैठते हैं, कितने लोग वहाँ पर जमा होते हैं उसको देखने के लिए, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक्स बजते हैं जो कि हमारे कानों में आती है, उसके साथ साथ कैसे हम एनवायरनमेंट के साथ सब कुछ मिल के अपनी पेंटिंग्स करते हैं, तो और सब कुछ मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस किस तरीके से आता है अपने सीटर को भी और हमको भी जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, और फाइनली में कुछ पैसे हम कमा के घर जाते हैं। तो यही हमारा पूरा स्टॉल है सोनाझुरी में। यहाँ पर आप देख सकते हो, और कई सारे स्टॉल्स है डिफरेंट, कई सारे लोग आकर हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ड्राइंग को कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हैं आर्ट से रिलेटेड, तो लोग देखते हैं, लोग खुद से जमा होते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, फिर भी लोग खुद से जमा होकर देखते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कोई डांस देखते हैं या फिर कोई म्यूज़िक सुनने आता है, तो आर्ट भी जब हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं या फिर लाइव उस प्लेस में कर रहे हैं, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लोग देखने आते हैं उसको, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी टाइम इससे डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन काफ़ी टाइम इससे काफ़ी मज़ा भी आता है कि क्या लोग बोल रहे हैं आपके आर्ट के बारे में, आप उसी टाइम उसको सुन पा रहे हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सीटर के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो 10-20 मिनट तक कुछ ना करके बैठे रहे, लेकिन उसके साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन करें, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा बहुत मज़ेदार बातें करें, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपके साथ बैठे रहेंगे। लाइव पोर्ट्रेट में काफ़ी लोग सोचते हैं कि पूरी तरीके से स्टिल बैठना होता है, सीटर को थोड़ा सा भी मूव कर जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हम कोई फ़ोटो तो क्लिक नहीं कर रहे हैं ना कि हमको एकदम बिल्कुल एक स्टिल सीटर चाहिए, हमें थोड़ी बहुत मूव करने से भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनल में हम हेयर को बना लेते हैं। थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी डार्क हेयर होता है, तो शेडिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। हमारा ज़्यादातर टाइम में पोर्ट्रेट तो काफ़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन हेयर में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन फाइनली में जब पोर्ट्रेट हमने दिखाया जिन्होंने बनाने दिया था, तो उनको काफ़ी पसंद आया, तो उसी से हम लोग काफ़ी खुश हैं। तो उसके बाद हमारा पहला पोर्ट्रेट इस तरीके से कम्प्लीट हो जाता है। तो आप अभी थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए। Oh,
माथा लाग ले परे छाड़बे ना तो हमने अभी म्यूजिक सुन लिया थोड़ा सा हमें और थोड़ा मज़ा आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा सिटर जो है संजुदा उसको बना रहे, तो संजुदा हमसे थोड़े बड़े हैं और बेटर स्केच करते हैं, तो वो देखें कि किस तरीके से वो लाइव स्केच कर रहे हैं। यहाँ पर भी सिटर बैठे हुए उधर, उसके साथ साथ हम उनसे बात भी कर रहे हैं, साथ साथ ड्राइंग्स भी बना रहे। तो सिमिलर प्रोसेस में जैसे मैंने बनाया था पूरे फेस को, हम यहाँ पर कोई ट्यूटोरियल तो नहीं बता रहे कि किस टाइप से फेस बनाना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस कि कैसे हम धीरे धीरे फेस के पूरे स्ट्रक्चर को बना रहे। साथ ही साथ हमारा स्टॉल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ पेंटिंग्स लगाई है जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है दूसरे दूसरे जगह से, ताकि वो आए और हमसे बनवाए पोर्ट्रेट, लाइव पोर्ट्रेट, तो इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर संजुदा जब बना रहे उस टाइम थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी कभी कभी होता है क्योंकि काफ़ी साउंड होता है, लेकिन फिर भी जो माहौल है पेड़ के छाव के नीचे एक हल्का सा लाइट पड़ रहा है, उससे उसके साथ साथ जो हल्की हल्की हीट है उसके साथ थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, और फाइनल में जब हम जाते हैं ना तो बिल्कुल बादल से भरा हुआ हो जाता है आसमान। हमको सब कुछ कलेक्ट करके रखना पड़ता है ताकि बारिश ना आ जाए, लेकिन फिर भी जितना भी एक्सपीरियंस हमारा रहता है वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है, काफ़ी एक हार्टवार्मिंग एक्सपीरियंस रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे लिए, जो पैसे हमने कमाए वो तो जो भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए कि हमारा प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्योंकि एक नर्वसनेस होता है जब भी हम किसी को लाइव बनाते हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है हमसे, हमारी खुद से एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो एक नर्वसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उस नर्वसनेस को जब आप थोड़ा सा काबू कर पाएंगे और उससे जब अपना पोर्ट्रेट बनेगा तो वो काफ़ी बेटर बनता है। तो इसी तरीके से हमारा आज का ये एक्सपीरियंस हमने इस व्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम अपने स्टॉल में ड्राइंग्स बनाते हैं। और अगर आप यहाँ पर बोलपुर में है या फिर शांति निकेतन में है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए, एक बार मिल के जाइए या फिर कुछ भी, ताकि आप भी हमसे थोड़ा बात कर सकें, हम भी आपसे थोड़ा बात कर सकें। सो ऐसे हमारा संजुदा का पोर्ट्रेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने बाल कर दिया, बस फिनिशिंग कुछ टचेस देंगे, उसके बाद हम इस पेंटिंग को स्प्रे करके उनके हाथ में दे देंगे। तो इसी तरीके से हम अपने डे टू डे में या फिर सैटरडे संडे में हम जाके स्टॉल में बैठते हैं, और इसी तरीके से काफ़ी मज़ा आया आज भी, और ऐसे हम और भी वीडियोज़ बनाने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।